गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक केस की बात करेंगे एंड द नेम ऑफ केस इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, जिसे हम हीरो कप केस भी कहते हैं। इसका साइटेशन देखते हैं पहले। AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट का केस है और 1236 इज़ द पेज नंबर। अब सबसे पहले ये जो केस है ये मेनली बेस्ड है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, जो कि आर्टिकल 19(1)A में प्रेजेंट है। अब सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स देखते हैं। तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ऑन देयर डायमंड जुबली ऑर्गेनाइज एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है, क्रिकेट एसोसिएशन होती है बंगाल की, जो कि अपनी डायमंड जुबली होती है उसकी, उसके लिए वो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करती है। इट अप्रोचेस दूरदर्शन टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर इट्स टेलीकास्ट इन इंडिया। ये जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो दूरदर्शन के पास जाती है ताकि वो उसके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर सके जो कि उसके टेलीकास्ट के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि वो अपना ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट कर रहे थे वो उसे टेलीकास्ट करना चाहते थे पूरे इंडिया में विया दूरदर्शन। सो दे ऑल्सो रिक्वेस्ट सिग्नल फॉर फॉरन टीवी। उन्होंने जो फॉरन टीवी था उसके सिग्नल्स के लिए भी रिक्वेस्ट की, बट दूरदर्शन रिफ्यूज टू ग्रांट परमिशन टू टेलीकास्ट एंड सेड आई हैव द मोनोपोली ऑन टेलीकास्ट एंड अकॉर्डिंग टू टेलीग्राफ एक्ट 1885 सेक्शन 4 वी कैन से नो टू द टेलीकास्ट ऑफ एनीथिंग। बट दूरदर्शन क्या कहता है, वो मना कर देता है परमिशन ग्रांट करने से टेलीकास्ट की और कहता है कि उसके पास टेलीकास्ट की मोनोपोली है। और अकॉर्डिंग टू टेलीग्राफ एक्ट 1885 का सेक्शन 4 वो किसी भी टेलीकास्ट को रोक सकते हैं। एसोसिएशन सेड दैट दूरदर्शन इज वायोलेटिंग देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)A। तो ये जो एसोसिएशन है वो कहती है कि ये जो दूरदर्शन है ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वायोलेट कर रहा है, जो कि 19(1)A आर्टिकल में है। अब हम सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन देखते हैं कि उसने इस केस पे क्या ऑब्जर्वेशन रखी या डिसीजन रखा। तो सुप्रीम कोर्ट सेड दूरदर्शन या फिर गवर्नमेंट हैड नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सो दूरदर्शन ने कहा कि गवर्नमेंट के वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूरदर्शन या गवर्नमेंट के पास कोई भी मोनोपोली नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड दैट राइट टू टेलीकास्ट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)A। जो राइट टू टेलीकास्ट है, राइट ठीक है, वो आर्टिकल 19(1)A जो कि क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का पार्ट है। एयरवेव उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एयरवेव इज पब्लिक प्रॉपर्टी एंड इट शुड बी यूज इन पब्लिक गुड एंड एडवांसमेंट, कि एयरवेव जो है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और वो इस तरह इस्तेमाल होनी चाहिए कि वो पब्लिक गुड करे और उनका एडवांसमेंट करे। Airwaves is a public property and so it does not fall under Article 19(1)A। अब ये बोल रहे हैं कि Airwaves जो है public property है, ये हम जान चुके हैं, तो इसी वजह से वो आर्टिकल 19(1)A जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है उसके अंडर फॉल नहीं करती। राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फॉल्स अंडर आर्टिकल 19(1)A। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो डायरेक्ट गवर्नमेंट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस अथॉरिटी टू कंट्रोल और रेगुलेट एयरवेव्स। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस अथॉरिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट को, जो कि एयरवेव्स को कंट्रोल कर सके। तो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू।